तरीकों से जालसाज करने लगे हैं फ्रॉड, एक झटके में पहुंच जाती है आपके एटीएम कार्ड की जानकारी। देश में हर दिन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड की संख्या काफी ज्यादा है। आपने कभी ना कभी तो एटीएम मशीन से पैसे जरूर निकाले होंगे और कभी ना कभी आपका एटीएम कार्ड भी फंसा होगा। आजकल फ्रॉड करने वाले आपके आसपास ही रहते हैं और कुछ ऐसी मौके की तलाश में रहते हैं। ज्यादातर जो जालसाज होते हैं वो उन इलाकों में एटीएम को अपना निशाना बनाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ कम हो और एटीएम के बाहर गार्ड ना हो। जालसाज इन्हीं मौके का फायदा उठाकर कार्ड मशीन में एक नकली मशीन डालकर इसकी क्लोनिंग करते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। आपको इन तरीकों से हो सकता है नुकसान। नए जमाने अब जालसाज नए तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग, कार्ड ट्रैपिंग, केस ट्रैपिंग, शोल्डर सर्फिंग और फिशिंग जैसे नए तकनीक शामिल हैं। इनमें से कार्ड क्लोनिंग का चलन इस वक्त ज्यादा चल रहा है। कार्ड क्लोनिंग में जालसाज एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मसलन जिस जगह आप कार्ड डालकर पैसे निकालते हैं वहाँ आपको ठीक वैसा एक छोटा मशीन लगा होता है और जैसे ही आप कार्ड डिटेल्स डालते हैं वैसे ही आपके कार्ड की सारी जानकारी जालसाजों के पास चली जाती है, जिसके बाद आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। मदद के बहाने फ्रॉड। अक्सर लोग एटीएम में आपकी मदद करने के बहाने से फ्रॉड कर लेते हैं। आपको यही लग रहा होता है कि आपने तो पिन नहीं बताया फिर कैसे पैसे निकल गए, लेकिन आजकल लोग मदद करने के नाम पर आपका कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और पिन को पता कर लेते हैं और फिर पैसे निकाल लेते हैं। कभी कभी जालसाज आपके कार्ड में पिन पंच कर देते हैं जिसकी वजह से आपका एटीएम कार्ड मशीन में ही फंस जाता है और आपकी सारी निजी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है।